पर बात करेंगे कुवैत वोमेन वर्सेस हांगकांग वोमेंस के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा। एक चीज़ समझना होगा, हांगकांग वोमेंस विन करेगी तो पहले गेंदबाजी पे क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सेकेंड गेंदबाजी पे क्या कॉम्बिनेशन होना, सिर्फ दो बातों पर निर्भर करेगा मेरे भाई, कुछ नहीं देखना है। हांगकांग विन करेगी वोमेंस। अब बात आती है कि सारे प्लेयर पिक कर लेंगे, 10 प्लेयर जो पिक मैं करके दूंगा वो 10 को थोड़ा सा भी इधर उधर करने की हमें नहीं लगता ज़रूरत है। कैप्टन भी मार्को हिल होना चाहिए, सेफ कैप्टन सेफ वीसी जो है कैरी चैन, या फिर वीसी में थोड़ा सा एक दो चेंज करोगे जीएल का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बनेगा। लास्ट के तीन जो है एम हैदर, एम जासवी और ए सी यू, ये तीन में से जो एक पिक करोगे कौन सा बेस्ट है क्या है सारा कुछ मैं बताऊँगा, लेकिन बस छोटा वीडियो में आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो लगातार हम लोगों के लिए भगवान की कृपा से बेहतर जा रहा है, तो उम्मीद करेंगे यह मुकाबला भी बेहतर जाए। तो मेरे भाई अगर यदि आप इन सभी मुकाबले को खेलना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, इनके अलावा जीएल का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी कि बेहतर से बेहतर शानदार से शानदार टीम बनाने के लिए जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है, सिंपल है मेरे भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो हूबहू आपको डोमेस्टिक प्लेइंग 11 नज़र आएगा, उनसे आपको बचना है। ओरिजिनल चैनल वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर टॉप कमेंट जो होता है वहाँ पर पिन किया गया होगा, उनकी सहायता से जुड़ोगे तो ओरिजिनल चैनल 57.1 के सब्सक्राइबर वाले चैनल पर आ जाओगे। देखो हांगकांग वोमेंस अपना लास्ट जो चीन वोमेंस के खिलाफ खेला, ये सारे के सारे गेंदबाज इंपोर्टेंट रहेंगे। देखो मारियन बीबी इनका पेस जो है ना इतना बेहतर है, 4 ओवर करीबन डालेगा तो जीएल का बढ़िया कैप्टन बीसी रहेगा, गजब की यॉर्कर लेंथ गेंद डालते हैं, हालांकि एक ओवर डलाया गया क्यों मुझे पता नहीं। अब एक ही चीज़ बोल सकते, चीन खास टीम नहीं है, ज़्यादा तो एक्सपेरिमेंट कर दिया गया। ए सी यू से 4 ओवर कराया गया, क्योंकि ए सी यू से अक्सर 2 ओवर कराती है, तो ए सी यू मारियम बीबी आईसार इन तीन में से कोई एक तो कम ओवर करेगा, जहाँ तक ए सी यू करना चाहिए। बल्लेबाजी में देखो एक बल्लेबाज पिक करना ये बेहतर है, ऑलराउंडर में कैप्टन ये होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। वाई दसिनी जो विकेट कीपरिंग में है ये बेहतर होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अब देखो पहले बल्लेबाजी करेगा हांगकांग तो ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, क्यों बेहतर हो जाएगा, एक तो 4 नंबर पे आएगा, न्यूजीलैंड में जो डोमेस्टिक होता है ना वुमेंस का ओडीडी वहाँ पर ये बहुत सारे मुकाबले खेले थे, इनको खेलने का तजुर्बा बाकी से थोड़ा सा बेहतर है। बात करेंगे कुवैत वुमेंस के खिलाफ, जब कुवैत वुमेंस जब चीन वुमेंस के खिलाफ खेला था खुद तो 10 विकेट गंवाकर सिमट गई और दूसरों को भी 10 विकेट गिराकर उनको भी सिमटा दिया, यानी दोनों सिमट के आ रही है, लेकिन कुवैत वुमेंस विन किया था। कैसे विन किया था, गेंदबाजी में सभी ने दमखम से गेंदबाजी की, एम हैदर बढ़िया गेंदबाज है, एम जासवी ड्रॉप करने लायक गेंदबाज है लेकिन 4 ओवर करेगा डर रहेगा, एम उमर बढ़िया कैप्टन वीसी का भी चॉइस रहेगा, ए तारिक भी बढ़िया कैप्टन वीसी का चॉइस रहेगा, पी मुराली भी बढ़िया ऑलराउंडर है तो ये भी कैप्टन वीसी का चॉइस रहेगा कुवैत वुमेंस की तरफ से, लेकिन पी मुराली का थोड़ा सा गेंदबाजी जो है बाकी से थोड़ा सा कमजोर है और एम जासवी का, बाकी तीनों को तो ड्रॉप हमें नहीं लगता है कि करना चाहिए। बल्लेबाजी क्या रही, देखो बल्लेबाजी में एम उमर 16 मार दिया, लेकिन बल्लेबाजी में एकदम इच्छा नहीं रखना है, कौन कितना रन मारेगा कौन जीरो में जाएगा, यानी अच्छा बल्लेबाजी नहीं कर पाएगा कुवैत वुमेंस, हाँ गेंदबाजी ठीक ठाक करेगा मेरे भाई, और कुछ देखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर यदि और कुछ देखते हो तो फालतू में टाइम जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है कॉम्बिनेशन चले उनके ऊपर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, बहुत सारे आपके फ़ायदे मिस हो रहे हैं, बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे बहुत चीज़ आपको फ़ायदा मिलेगा और बाकियों को मिल रहा है। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो इंस्टा पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। अब यहाँ पर बात आती है ये टीम जो मैं क्रिएट किया हूँ वीसी के लिए, देखो बहुत सारा चॉइस है, सभी के ऊपर वीसी जा सकते हो नो डाउट, हालांकि पहले बल्लेबाजी करेगा हांगकांग तो कैरी चैन ही बेहतर होगा क्योंकि बल्लेबाजी ठीक ठाक करती है। अब एक प्लेयर किनको पिक किया, देखो सबसे बढ़िया यहाँ तक ये टीम सेव कर लिया ना, अब यहाँ से देखो एम हैदर ये टीम, तीन जो यहाँ से तीन में से किसी एक को पिक करना है तो मेरे भाई यहाँ से पहला नाम एम हैदर, दूसरा ए सी यू, तीसरा एम जासवी,
ये तीन में से किसी एक को पिक करना हो। देखो एम हैदर का मेन काम है चार ओवर कंफर्म करते हैं और बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, ऐसा नहीं कि बढ़िया, लेकिन अगर यदि इनको छोड़ेगा तो एक माइंड में रखना होगा इनका सामना करेगा नाथन मिल्स और मार्को हिल जो कि कैप्टन, दोनों काफ़ी बढ़िया टेक्निकल बल्लेबाज है, तो हो सके इनका ओवर रोक के या फिर संभाल के खेल ले तो बच जाओ, ये हो सकता है। एम जासिबी भी शुरुआत में गेंदबाजी करते, ज़्यादा इनका जो है विकेट टेकिंग गेंदबाज नहीं है, सिर्फ फास्ट गेंदबाजी करती है, तो ये थोड़ा सा कमजोर कड़ी है, चाहो तो ड्रॉप कर देना, सेकेंड गेंदबाजी में तो ड्रॉप कर देना, अगर यदि कुवैत वुमेन्स पहले गेंदबाजी करेगा तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एससीयू देखो कब इंपॉर्टेंट होगा, जब हांगकांग वुमेन्स की टीम पहले गेंदबाजी करेगा, हो सकता है वो 30 अंदर 30 या 40 रन के अंदर सिमट जाएगी और किसी ने कारण एक विकेट ले गया और इन लोग की गेंदबाजी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं और सामने वाला टीम 10 से 12 ओवर में विन कर जाएगा, तो ऐसे स्थिति में ये दोनों वर्क नहीं करेगा। लेकिन तीनों में से जो भी आप हमें बेस्ट पूछते हो तो एम हैदर दूसरा में आता है, एसीयू तीसरा में, ए जासवी, तो आप अपने अनुसार देख लेना, बाकी फाइनल अपडेट का वेट करना, इन्वेस्ट जो है मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा तभी करना। तो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आशा करते हैं भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए।